आज विश्व टीवी दिवस है। 24 मार्च को हम इसलिए मनाते हैं कि जिससे हमें टीवी बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो और हम इस बीमारी के लेकर जागरूक हों। टीवी बीमारी है क्या? टीवी जो है एक जीवाणु जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है की वजह से होती है। टीवी बीमारी अगर WHO की रिपोर्ट देखें तो टॉप 10 में सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जाने जाती हैं। और अगर हम भारत की रिपोर्ट देखें 2020 टीवी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 24 लाख न्यू केसेस 2019 में रिपोर्ट किए गए हैं और लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई हैं। अगर पूरे विश्व को देखें तो रोजाना 4,000 से ज़्यादा डेथ टीवी की वजह से होती हैं, जो कि पूरी तरह से क्यूरेबल हैं। अगर हम इसका बचाव समय रहते कर लें और इसके बीमारी के लक्षण के बारे में जानें तो हम टीवी बीमारी से होने वाले जो मृत्यु हैं उसको रोक सकते हैं। तो भारत सरकार ने एक प्रोग्राम जिसे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कहते हैं चलाया हुआ है, जिसका ये लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से मुक्त कर सकें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाएं। अगर टीबी बीमारी है तो कैसे हम जानेंगे कि यह व्यक्ति या टीबी बीमारी से ग्रसित है? तो इसके मुख्य लक्षण हैं लगातार खांसी आना। अगर किसी व्यक्ति को लगातार 2 हफ्तों से खांसी आ रही है या फिर खांसी या बलगम में खून का आना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, लगातार बुखार जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, वजन कम होना, भूख का कम हो जाना, ये सब लक्षण अगर कहीं किसी व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं तो अपने नज़दीकी एक्सपर्ट से इसकी सलाह लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी अगर इस बीमारी का पता लगाएं और इसका इलाज करें, जो कि हमारे सरकारी और प्राइवेट जो भी अस्पताल हैं उसमें बड़े वर्ल्ड स्टैंडर्ड की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। अगर हम देखें कोरोना को, कोरोना से जो अब तक की डेथ हुई हैं वो भी कैसे होती हैं? ये बीमारी हवा के द्वारा फैलती है, हवा में इसके जीवाणु होते हैं। जो टीबी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति होता है जब भी खांसता है और कफ एटिकेट का पालन नहीं करता तो उससे क्या होता है, उसके जीवाणु जो हवा में होते हैं या फिर हवा के द्वारा अन्य व्यक्ति के श्वास नलिकाओं से होते हुए फेफड़े में चले जाते हैं और शरीर में फैल जाते हैं। अगर उस व्यक्ति की इम्यूनिटी लो है, जैसा कि ये देखा गया कि जो व्यक्ति खास करके डायबिटीज बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, या व्यक्ति अगर एक्टिव स्मोकर है जो बीड़ी सिगरेट या तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है या फिर शराब इत्यादि का सेवन कर रहा है, और यदि कोई व्यक्ति क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित है या फिर जो हमारी ऐसी बीमारी है जो प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है जैसे HIV या AIDS, या फिर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो या फिर किसी कीमोथेरेपी पे चल रहा, तो ऐसे व्यक्तियों को टीबी का संभावना ज़्यादा रहती है, खासकर के भारत जैसे देश में जहाँ की 40% से ज़्यादा व्यक्तियों को टीबी का एक्सपोजर हो चुका है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे या हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जिससे इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम है, तो इन सब ऐसे लक्षण आने पर हमें अपने नज़दीकी चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिर टीबी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। और अगर हम ये लक्षण देख रहे हैं तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम डायग्नोसिस होने के बाद हम इसका इलाज शुरू करते हैं तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि लक्षण ख़त्म होने पर इसका इलाज बीच में ही रोक देते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है, क्यों इससे हमें एक और बीमारी जो कि टीबी का अगला रूप है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति बीच में दवा छोड़ देते हैं या पूरी तरह से दवा नहीं लेते तो उनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है और वो
समाज में जाके और व्यक्तियों को इन्फेक्ट करते हैं। तो टीबी पता होने के बाद ये ज़रूरी है कि हम उसका इलाज प्रॉपर तरीके से लें, और 6 महीने का जो मिनिमम कोर्स है, जो कि और बढ़ सकता है, 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, उसको लें, और बीच बीच में अपने विशेषज्ञ से इसकी सलाह लेते रहें। दवा का साइड इफेक्ट होने की वजह से दवा ना छोड़ें। अगर दवा का साइड इफेक्ट होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है हमें दवा लेने में, तो अपने विशेषज्ञ से इसकी सलाह लेके उस दवा को कंटिन्यू रखें और इस बीमारी को जड़ से हटाएं। दवा के अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, और प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है जिससे शरीर की रिकवरी फास्ट हो। और ये देखा गया है कि जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, दवा लेने के साथ साथ ये ध्यान रखे कि वो मास्क पहने, जिससे और व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड ना हो पाए। और कोरोना समय में हमने ये देखा है कि लोग इसलिए मास्क पहनते हैं कोरोना से बचे, लेकिन उसका ये फायदा भी है कि हम टीबी बीमारी से भी बचते हैं। कोरोना समय में ये देखा गया था कि नए टीबी मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी, शायद इसमें मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से टीबी रोग से हम बच सकते हैं। तो अगर हम खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें, तो जल्दी ही हम 2025 तक, जो हमारा एक सपना है कि टीबी मुक्त भारत, उसको हम पूरा कर सकते हैं। जय हिंद।